और ये फ्राई हो रहे हैं मेरे पनीर, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ पैन फ्राइड मटर पनीर। मेरा बहुत दिनों से पनीर खाने का मन कर रहा था। आलू मटर, आलू बैगन और ये सारी चीज़ें खा खा के मैं बोर हो गई थी। तो ये देखिए मैंने ग्रेवी पूरी बना ली थी जैसे बनती है नॉर्मल, वही प्याज टमाटर सारी चीज़ें डाल। मसाला मेरा तैयार था और बस मैंने फ्राई किए पनीर और उसके बाद उसमें मिक्स कर दिए और उसमें डाला पानी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी वाली पसंद है। अगर आप लोगों को ग्रेवी वाली नहीं पसंद है तो आप लोग कम पानी भी डाल सकते हो। मैंने तो ज़्यादा पानी डाला था क्योंकि मुझे चावल के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। सब्ज़ी पक रही है तब तक कि मैं धनिया काट ले रही हूँ, क्योंकि टाइम जो है वो बचाना बहुत ज़रूरी है और बहुत काम हो जाता है मेरे पास। तो बस धनिया कट गई है मेरी और उसके बाद ये देखिए सब्ज़ी भी पक गई है मेरी। और सब्ज़ी पक जाने के बाद कहते हैं कि कढ़ाई में नहीं रखनी चाहिए, तो मैंने दूसरे बर्तन में निकाल ली है और सब्ज़ी निकालने के बाद बस उसमें डाल दिया ऊपर से धनिया। तो ये देखिए कितना अच्छा सा लुक आया है ना सब्ज़ी का, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। और बस मैंने फिर परोसी थाली, चावल भी बन गए थे मेरे और बस सब्ज़ी रोटी चावल, और बिना सैलेड के तो मेरा खाना अधूरा रहता है। और सैलेड के लिए ही मैं स्पेशली लेकर आई थी चाट मसाला और नमक। के बाद मैंने खाना खाया और बस पढ़ने बैठ गई। ओके बाय।